वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपकी सारी की सारी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखे, प्रॉफिट बना सके। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आज जो हम बात करेंगे, हम लोग का एक इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप में कुछ ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जो आपको ट्रेंड बनते ही बता दे या बनने से पहले बताए, और एक इंडिकेटर ऐसा होना चाहिए जो कितना ट्रेंड मजबूत है वो बताए। बात समझ पा रहे हैं? तभी तो आप अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे ना, कि आपको एक ट्रेंड बनने से पहले कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन दे दे और कितना ट्रेंड जो मजबूत है वो बताने की कोशिश करे, तब जाके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इसी पे बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात एक नहीं करने वाला हूं कि इंडिकेटर को कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे उसका सेटअप करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सारी पे जो वीडियो बना चुका हूं उसको जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आज जो बात करूंगा वो है, आप देख सकते हैं, एक है वोर्टेक्स इंडिकेटर है और एक है DMI यानी कि जिसको बोलते हैं ADX। तो फ्रेंड्स, ये दो इंडिकेटर पे आपको काम करनी है। और मैं फ्रेंड्स जो EMA लाइन लेकर रखा है वो 12:26 के लेकर रखा हूं। बात समझ पा रहे हैं? 12:26 की लाइन को मैं लेके रखा हूं। और जो फ्रेंड्स बहुत से व्यूअर का होता है टाइम फ्रेम, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि टाइम फ्रेम जो मैं मिनिमम जो इंट्राडे के लिए मैं देखता हूं, मिनिमम जो देखता हूं वो है 15 मिनट। मैं 15 मिनट के नीचे कोई भी चार्ट फ्रेम नहीं देखता हूं, मैं पर्सनली बता रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग ये हो सकता है। तो फ्रेंड देखिए, मैं जो बात करने वाला हूं ट्रेंड बनते ही बता दे, तो थोड़ा सा आप यहां पे देखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहां पे दिखाना चाह रहा हूं आपको। अगर मेरा वोर्टेक्स का वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें कुछ बताया था, तो वहां से थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। तो वोर्टेक्स इंडिकेटर तो यहां पे बाय का सिग्नल दिया है, ठीक है, यहां पे बाय का सिग्नल दिया था। क्या हम लोग लेंगे, क्या हम लोग को बाय करनी है? सिंपल सी बात आती है, मैं फ्रेंड बार बार बोलता हूं कि इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। आप इंडिकेटर के बारे में कितना जानते हैं ये बात नहीं है, आप कब इंडिकेटर को कब यूज करना है, कब नहीं करना है, कब कैसे यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो फ्रेंड जो मैं बात बता रहा हूं कि ADX तो यहां पे बाय का सिग्नल दिया था, कोई डाउट नहीं है, बट बात है कि क्या है पे हम बाय करेंगे, जो सबसे बड़ी बात है कि क्या हम बाय करेंगे। तो नहीं फ्रेंड, यहां पे बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं एक ADX इंडिकेटर में इसी के लिए लिया था, मैं पहले बताया वीडियो में कि एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो ट्रेंड जो बन रहा है कितना स्ट्रेंथ है, उसमें कितना मजबूती है ट्रेंड में, ट्रेंड जो है कितना मजबूत बन रहा है उसको जानने के लिए। तो फ्रेंड देखिए, इसका तो ADX लाइन नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि जो ट्रेंड बन रहा है कहीं ना कहीं कमजोर है, उतना मजबूत ट्रेंड नहीं है। तो जब मजबूत ही ट्रेंड नहीं है, जो हम लोग कोई गाड़ी पे बैठनी है उसका चक्का ही खराब है तो क्यों बैठेंगे? हमको पता है कोई ज्यादा रन नहीं जा सकता है, वो भ्रष्ट कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी पे बात है कि आप यहां पे बाय नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा वीडियो को धीरे देखिएगा, मैं फ्रेंड थोड़ा सा धीरे बताने की कोशिश करता हूं कि आपको यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा है आपका ADX लाइन। वोल्टेज तो बहुत अच्छा सिग्नल दिया है, तो वोर्टेक्स पे तो यहां बाय बन जाती है, और वहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो यहां पे आपको ADX और वोर्टेक्स दोनों को पता चलना चाहिए, और यहां पे आपका EMA लाइन भी आपको बाय सिग्नल नहीं दे रहे थे। तो फ्रेंड मैं बात करता हूं कि इंडिकेटर को यूज कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ इसी तरीका से मैं कुछ लॉजिक दिखाऊंगा और सारी की सारी चीजों को फ्रेंड्स आप देखिए। जब तक आप नहीं देखेंगे, मैं जो वीडियो बनाता हूं फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं पेड आपको ट्रेनिंग देने के बाद भी ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है। तो मैं फ्रेंड्स आपको, मैं मेरे चैनल पर इसी तरीका के वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आप पेड सर्विस भी लेके आपको इस तरीका से नॉलेज नहीं दिया जाता है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिलता है। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देखें, तो फ्रेंड्स यहां के बाद देखिए, अब यहां पे वोर्टेक्स इंडिकेटर बाय का सिग्नल दिया था, राइट। तो फ्रेंड्स मेरा जो वोर्टेक्स इंडिकेटर का वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल पे जाकर वीडियो को देख लीजिए कि मैं वोर्टेक्स इंडिकेटर के बारे में वहां पे क्या बताया हूं, ADX इंडिकेटर के बारे में वहां क्या बताया हूं। तो फ्रेंड्स आप देखिए, यहां पे जानने वाली बात है कि वोर्टेक्स इंडिकेटर, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे बाय का सिग्नल दिया है। देखिए बाय का क्रॉसओवर तो यहां पे हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉसओवर यहां हुआ है
मगर क्रॉस ओवर पे बाइंग नहीं करनी थी। मैं बोला हूँ कि क्रॉस ओवर पे वोल्टेक्स इंडिकेटर में बाइंग सेलिंग नहीं होती है, तो उस वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और मैं आई बटन पे भी दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। दो इंडिकेटर है, दोनों इंडिकेटर का वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे आपको यहाँ से बाइंग का सिग्नल मिला था, तो उस समय देखिए आपका मूविंग एवरेज भी बाय सिग्नल दे रहा है, और यहाँ पे देखिए एडीएस का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिए एडीएस का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज नीचे की ओर जा रहा था, यहाँ अप की ओर जा रहा है। अब देखिए यहां से आपको बाय में बैठाया है फ्रेंड्स, अगर इधर कहीं भाई बाय करते, कैंडल आगे भी बाय करते, फिर भी आपको लास्ट तक आपको प्रॉफिट में ही निकालता। बस समझ पा रहे हैं, तो आप एक कैंडल आगे भी अगर पोजीशन बनाते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मिल के बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीका से एडीएक्स और वोल्टेक्स का जबरदस्त जुगलबंदी है, जहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स और दिखाता हूं, मैं बोलता ना कि थोड़ा सा मैं वैसा ऐसा चीज दिखाना चाहता हूं जो आपका माइंड को ओपन करे, थोड़ा सा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में सहूलियत मिले। तो ये सारी चीजों को फ्रेंड्स आपको बार बार देखनी है, सारी चीजों को आपको जब जितना देखेंगे उतना आप सीखते जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे जाके कुछ और कोशिश करते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या था, अब यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे भी देखिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या हुआ कि यहां पे बाय सिग्नल में तो आपका ऑलरेडी था, मगर वोल्टेक्स भी नीचे आते जा रहा है और आपका एडीएक्स लाइन भी नीचे की ओर जाता जा रहा है, वो भी एडीएक्स लाइन जो है देखिए ध्यान से, तो एडीएक्स लाइन यहाँ पे 20 के नीचे और वो भी नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोग को बाय नहीं करनी है, कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बता रहा है, और मार्केट देखिए इधर रेंज बाउंड है भी। तो यही सारी चीजें फ्रेंड्स मैं और कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं जो कि बहुत आपको हेल्प करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने में। तो फ्रेंड्स अब आगे देखिए आगे कैसे करना था, ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं थोड़ा सा, और कुछ किधर है थोड़ा सा देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे में कुछ मार्केट में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम में नहीं आते हैं, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है राइट। अब फ्रेंड्स देखिए वाह, अब ये देखिए क्या मैं बता रहा हूं, ये देखिए कितना जबरदस्त है, यहां से आपको बाइंग सिग्नल मिला था, ध्यान दीजिए यहां से आपको बाइंग सिग्नल मिला था कोई डाउट नहीं। अब यहां से आपको बाइंग सिग्नल सॉरी फ्रेंड सेल का सिग्नल मिला, और उसके बाद देखिए तो ये जो मैं एडीएक्स का जो बताता हूं ना कि ये सिग्नल बहुत जबरदस्त होता है, आप अगर एडीएक्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वाला जो सिग्नल होता है उसमें मैं बताया हूं, तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और वहां से देखिए मार्केट सीधा सीधा कितना अच्छा से नीचे आ रहा है, तो यहां से ही सिग्नल मिला था, वो आपको नीचे आया, यहां पे हैमर बना है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो फ्रेंड्स एक कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। अब आगे थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं, देखिए यहां पे ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखें तो यहां से कितना अच्छा से नीचे आ रहा है मार्केट, क्यों, क्योंकि यहां पे बाय का सिग्नल दिया है, और यहाँ पे एडीएक्स का लाइन देखिए कैसे जा रहा है, एकदम लग रहा है कि 45 डिग्री पे एकदम जा रहा है। तो जब ऐसा सिग्नल तो जैकपॉट है यार, एडीएक्स देख रहे लग रहा है कि 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए ऊपर जा रहा है। फ्रेंड्स ये तो आपका सोने पे सुहागा होगा जब ऐसे ट्रेड आप करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, आपको मूविंग एवरेज भी बता रहे थे, आपका वोर्टेक्स भी बता रहा था, आपका एडीएक्स भी बता रहा था। तो ऐसे में जब आप ट्रेडिंग करेंगे फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं कि आपको हद तक सफलता मिलेगी, अगर आप जितना लॉस किए हो कहीं ना कहीं ये रिकवर करेगा। और फ्रेंड इसी तरीके का नॉलेज हम अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं कि कब किस इंडिकेटर का उपयोग करना है, आप इस इंडिकेटर को हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं, मार्केट के हिसाब से आपको सारी चीजें बदलनी पड़ती है। आप एक इंडिकेटर को एक स्ट्रेटजी को लेकर ढोते चलेंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अब फ्रेंड्स यहां पे देखिए, ये भी देखिए कितना जबरदस्त है, आपका वोल्टेक्स तो यहां पे ही दिया, देखिए ये भी कितना एकदम एकदम लाइव कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है। वोल्टेक्स तो आपको यहां पे ही बाई को बोल दिया, मगर वहां पे आपको एडीएक्स जो है से नहीं बोल रहा है, आपको एडीएक्स ने वोल्टेक्स का जो फिल्टर कर दिया कि भैया यहां पे तो मार्केट रेंज बाउंड है। और उसके बाद जब यहां पे जब एडीएक्स ने ऊपर जाना शुरू किया, और यहां पे देखिए एडीएक्स जब ए ऊपर जाना शुरू किया तो उसके बाद देखिए मार्केट सीधा सीधा नीचे गिरा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। तो फ्रेंड्स इस तरीका के आपको सिग्नल देखने हैं, आपको इस तरीका से ही ट्रेड करने हैं। मैं बोलता हूं आप एक ट्रेड कीजिए, दो ट्रेड कीजिए, मगर जबरदस्त वाला कीजिए, आप एक बच्चों का खेल वाला नहीं कीजिए कि लिए 1 रुपया में बेच दिए, नहीं, आपको अच्छा ट्रेड लेनी है, आपको अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करनी है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीका से फ्रेंड मुझे उम्मीद है, और मैं फ्रेंड बता रहा हूं कि अगर इस फ्रेंड मैं बता रहा हूं अगर इस पे 1000 लाइक आप लोग देते हैं तो मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा और मैं उसका फ्री एक्सेल शीट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अब हमारे जो फेसबुक पेज पे लाइक किए हैं उनके लिए वो सारी की सारी जो एक्सेल शीट होंगे वो फ्री के होंगे। तो आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इसी तरीका के नॉलेज और वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का भरपूर कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, तो यहाँ से सीधा सीधा है, इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मैं वहाँ पे जो लाऊंगा एक्सेल शीट जो आप लोगों को गेम चेंजिंग करेगा, वहाँ पे बहुत आप लोग को हेल्प करेगा। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा, यही ना बता रहे हैं। अब यहाँ पे एडीएक्स ने तो बाय सिग्नल दिया यहाँ पे ही, मगर वोटेक्स आपका बाय सिग्नल दिया यहाँ पे। तो अगर आप इसके आउट पे अगर इधर कहीं पे एंट्री बनाते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो फ्रेंड्स इस तरीका से आपको काम करनी है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो पे 1000 लाइक आप लोग करेंगे और जो मैं एक्सेल शीट फ्री में देने वाला हूं, तो उसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पे फॉलो कीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, जिसका लिंक फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, क्योंकि ये गेम चेंजिंग है। मैं एडीएक्स और वोटेक्स को दोनों को एक साथ सम्मिलित इसलिए किया, आप लोग को ये पता है कि ये इंडिकेटर कितना जबरदस्त है, कितना पावरफुल है। अरे दोनों को साथ में काम किया जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो फ्रेंड मैं इसलिए इस वीडियो को शेयर किया हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।